7 तारीख को मैंने सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाया है, उनके साथ भी विस्तार से विचार विमर्श करेंगे। और प्लानिंग कमीशन में पहले भी अंदर एक काफ़ी चर्चा रही है कि इसको समयानुकूल परिवर्तन कैसे लाया जाए, उन्हीं चीज़ों को आगे लेकर के एक नए स्वरूप की दिशा में प्रयास चल रहा है। 6 दहाइयों से ज्यादा पुराने मंसूबाबंदी कमीशन के ढांचे में जल्द ही बड़ी तब्दीली का ऐलान हो सकता है। मंसूबाबंदी कमीशन की जगह नए अदारे पर रियासतों के साथ सलाह मशवरा के लिए इतवार को दिल्ली में वज़राए आला की मीटिंग बुलाई गई है। दरअसल मुख्तलिफ रियासती हुकूमतें मंसूबाबंदी कमीशन के कामकाज और उनको मिलने वाली मरकजी इमदाद के तई वक्तन फोक्तन अपनी तशवीश जाहिर करती रही हैं। यही वजह है कि मंसूबाबंदी कमीशन की तब्दीली की सिमत में कदम उठाने से पहले मरकजी हुकूमत रियासतों के साथ इस मामले पर सलाह मशवरा करना चाहती है। MyGovernment.in के ऊपर जनता से सुझाव भी मांगे गए हैं, बहुत सुझाव आए हैं, हजारों के अंदर सुझाव आए हैं। और इस प्रतिक्रिया के अंदर, क्योंकि स्टेट्स के साथ मामला जुड़ा हुआ है, जब तक कि स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर से सलाह मशवरा ना कर लिया जाए, नई रूपरेखा का अनाउंसमेंट उचित नहीं होता। इसलिए 7 तारीख को, इसी महीने की को, प्रधानमंत्री ने सभी चीफ मिनिस्टर से बुला करके सलाह मशवरा करने का फैसला किया है, और उसके बाद क्या रूपरेखा नई प्लानिंग कमीशन की होगी वो आपके सामने पेश कर दी जाए। मंसूबाबंदी कमीशन की तश्कील 9 के सिलसिले में कांग्रेस का कहना है कि अब जबकि मरकज ने ये फैसला कर ही लिया है तो जल्द जल्द तश्कील 9 करके एक मंसूबाबंदी कमीशन का ऐलान कर दिया जाना चाहिए। जो भी बनाना हो, जिस तरह का भी आयोग बनाना हो, वो तत्काल बनाया जाना चाहिए। अच्छी बात है कि मुख्यमंत्रियों की सलाह ले रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्रियों को इस पर आपत्ति हो सकती थी, तो ये राज्यों से भी जुड़ा मसला है। तो मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री को इस मामले में थोड़ी सी त्रिवित्रा लानी चाहिए, जल्दी इस पर फैसला करना चाहिए। दूसरी तरफ मंसूबाबंदी कमीशन की तश्कील 9 के बारे में अपोजिशन पार्टियों की मुख्तलिफ राय है। JDU जैसी पार्टी जहां इस बात को लेकर फिक्रमंद है कि क्या नए इदारे में रियासतों की फिक्रमंदी का ख्याल रखा जाएगा, वहीं तृणमूल कांग्रेस इस फैसले की मुखालिफत कर रही है। किसी भी राज्य के साथ उसकी ज्योग्राफी के आधार पर, उसके पॉलिटिकल रूलिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। नया ढांचा जो बने उसमें राज्यों के मुख्यमंत्रियों को या प्लानिंग जो वहाँ की है, जो योजना मंत्री हैं, उनको भी उसका हिस्सेदार बनाकर इसको एक और मोर कॉम्प्रिहेंसिव और मोर आंसरेबल बनाना चाहिए। हम लोग तो पूरा खिलाफ है। प्लानिंग कमीशन का जो पावर था, जो रिसोर्सेस एलोकेशन करने के बारे में मुल्क का जरूरत के अनुसार, वो पावर नहीं होने से ये प्रोसेस डिलेड हो जाएगा। प्लानिंग कमीशन के सदर वजीर आजम हुआ करते हैं और इसके नायब सदर को कैबिनेट रैंक का दर्जा मिला होता है। अब देखना होगा कि मंसूबाबंदी कमीशन की जगह बनने वाले इदारे में किस तरह की तब्दीली की जाती है। योजना आयोग की जगह नई संस्था के गठन के ऐलान से पहले केंद्र सरकार राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करने जा रही है। जाहिर है, नई संस्था के ऐलान से पहले सरकार राज्यों की राय जानना चाहती है। अब देखना होगा कि योजना आयोग की जगह नई संस्था किस रूप में सामने आती है। कैमरामैन संजीव के साथ शैलेंद्र मिश, DD News, दिल्ली।